हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में बाबा वापस से अपन कतरने वाले हैं, काटने वाले हैं, क्लिप करने वाले हैं लाइन को। लेकिन इस बार जो तौर तरीका, नियम जो है, रूल्स जो है, वो थोड़े से अलग होने वाले हैं, जो कि डिक्टेट किए गए हैं बाय दीज टू महानुभावस। एक है भैया लियांग और दूसरा है भैया बार्सकी। इन दोनों ने भैया साथ में मिलकर बोला लाइन को काटेंगे, आसान तरीके से समझाएंगे। तो यही वो आसान तरीका है जो आपको ये पूरी खिचड़ी जो है वो दिख रही है बोर्ड के ऊपर, बड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन सिर्फ 4 स्टेप की भैया ये पूरा डेरिवेशन, जो कि समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपको बताता है कि इस एल्गोरिथम के बैकएंड में आखिर कौन कौन से नियम या स्टेप्स किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं इसको जानने के, समझने की। ये लाइन आपके सामने, इसी को काटना कुतरना है अपने को। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके दो जो एंड पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं अपने को दिए हुए हैं, x1 y1 और दूसरा है x2 y2। अब यहाँ पे अपने को क्या है ना, इंटरेस्ट है इसमें, अपने को इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि ये जो विंडो है अपनी, इस विंडो के अंदर का जो पोर्शन है वो अपने को प्रिंट या डिस्प्ले करवाना है, बाकी अपने को क्लिप कर डालना है, ठीक है। तो उसके लिए अपने को ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि भैया एट दिस रिस्पेक्टिव टाइम टी, कुछ भी हो सकता है वो, एट दिस रिस्पेक्टिव टाइम टी, यहाँ पे इस टाइम इंटरवल में, इस जगह पे, इस पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये एक्स और वाई क्या है, ये अपने को यहाँ पे पता करना है, और उसी के लिए ये सारा जो खेल है वो खेला जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको एक्स फाइंड करना है तो वो क्या है, x1 प्लस टी डेल्टा एक्स, और वाई अगर फाइंड करना है y1 प्लस टी डेल्टा वाई। आप बोलोगे बस इतना ही था, यही खेल था? ना 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 भैया, खेल तो अभी शुरू हुआ है, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये एकदम से कैसे आ गया, यहाँ तक अपन कैसे रीच कर गए पहले स्टेप में। तो इससे पहले वाली भी एक स्टेप है जिसको आप प्री रिक्विजिट कह सकते हो, या जीरो स्टेप अपन कहते हैं इस एल्गोरिथम में। हो क्या रहा है, अपन सिंपली क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू, अगर अपने को एक्स चाहिए तो अपन बोलते भैया 1 माइनस टी एक्स 1, और यहाँ पर t x 2, और वाई के लिए भी सेम करते हैं 1 माइनस टी y1 प्लस टी y2, इस तरीके से। अब इसको क्या करते हैं भैया, थोड़ा सा अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं x के लिए सॉल्व करूंगा, सेम y के लिए तो वही आना है। पहले मैं x के लिए करता हूं, क्या रहेगा देखो, x1 माइनस x1 t प्लस t x2, बराबर है। अब इसमें t अपन कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा भैया यहाँ पे x1 प्लस t, और यहाँ पे x2 माइनस x1, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल है। और यहाँ पे फिर फाइनली x1 प्लस t, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन x, तो उसको अपन दिखा सकते हैं विद डेल्टा x, और यही फंडा जो है अपन ने दिखाया है यहाँ पे इस तरीके से। सेम फॉलोस फॉर y, इसको भी खोलो, सुलझाओ, और फिर यहाँ पे ये पाओ, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ तक अपन पहले स्टेप में पहुँच जाते हैं, ये अपना पहला मुकाम है। अब दूसरे मुकाम में पहुँचने के लिए अपने को चाहिए होता है भैया विंडो मैक्स विंडो मीन, x और y दोनों के टर्म्स में। यानी कि अगर मैं भाई साहब यहाँ पे अपने ये दो एक्सेस यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरी y है और ये मेरा x है। अब ये जो विंडो है भैया, इसी की सहायता से अपने को वो x y मीन मैक्स, ये सारा फंडा पता चलने वाला है। कैसा है भैया देखो, बड़ा सिंपल है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका x w मीन, बराबर है। ये वाला जो फंडा आपको यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, y w मीन, बराबर है। ये एक फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये x w मैक्स है, मैक्स। इसके आगे विंडो जा रही है क्या, नहीं जा रही, तो ये मैक्स पॉइंट है। इसके पहले विंडो का कुछ अवशेष दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ये मीन है। उसके बाद ये वाला जो है आपका, ये यहाँ पे जो हो रहा है ये क्या है, y w मैक्स, क्योंकि इसके ऊपर अपने को जो y का एग्जिस्टेंस या कोई अवशेष जो है वो दिख नहीं रहा, बिकॉज विंडो आपकी मैक्सिमम यहाँ तक उसकी लिमिट जा रही है। तो ये 4 चीज़ें अपने को यहाँ से जो है पता चल जाएंगी, और उन्हीं का उपयोग अपन यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि सिंपल सा फंडा है। अगर कोई भी पॉइंट आपका इस विंडो में लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर आपका इस विंडो में लाई कर रहा है, तो वो इन बिटवीन x और इन बिटवीन y होना चाहिए। इन बिटवीन x मतलब x w मीन और x w मैक्स के बीच में होना चाहिए, और y w मीन और y w x के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से भैया उसकी कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए उस पॉइंट की, ताकि अपन कन्फर्मली कह सके कि हाँ भैया ये पॉइंट जो है अपने विंडो में लाए करता है। तो वही फंडा मैंने यहाँ पे लगा लिया है, कुछ नहीं और मैंने किया, जो मैंने स्टेटमेंट में बोला वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे दोस्तों कंसिडर किया है x, इसके साथ जो भी प्रोसीजर फंडा होने वाला है वो सेम प्रोसीजर फंडा y के लिए भी एप्लीकेबल होता है।
होता है। दिखाता हूं मैं x के लिए आपको, x क्या है भैया, जो कि लाइक करता है आपका इन बिटवीन एक्स डब्ल्यू मैक्स एंड एक्स डब्ल्यू मीन, जो स्टेटमेंट मैंने बोला था उसी को फॉर्मुलेट में यहां पे करके दिखा रहा हूं, बीच में लाइक करता है। अब ये जो x है, एज पर द स्टेप वन अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वन प्लस टी डेल्टा एक्स, रिप्लेस कर सकते हैं एक्स को इस तरीके से, यस एज पर द स्टेप वन अपन उसको कर सकते हैं। अब यहां पे ये जो एक स्टेटमेंट है इसको अपन दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसा? सबसे पहले तो कंसीडर दिस पर्टिकुलर रिलेशन, आपके इस एक स्टेटमेंट में दो रिलेशन है, पहले तो इस रिलेशन को अपन लिखते हैं। क्या रिलेशन है? एक्स वन प्लस टी डेल्टा एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स, ये पहला रिलेशन। दूसरा स्टेटमेंट के लिए दूसरा रिलेशन आएगा ये, यानी कि x1 प्लस टी डेल्टा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मीन, सिंपल है। तो आपने दो स्टेटमेंट निकाल लिए इस एक स्टेटमेंट के बेसिस पे, उसमें जो दो रिलेशन एग्जिस्ट करते थे वो दिखा दिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा झोल झपाटा, थोड़ा सा इधर उधर जो है कंटेंट हिलाने वाले हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेल्टा x चीजें चाहिए। तो यहाँ पे टी डेल्टा x अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं, निकाल दूं, वहां फेंक दूं, तो क्या होगा? टी डेल्टा एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मैक्स माइनस एक्स वन, सही बात है। और यहां पे भी सेम होगा, टी डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स डब्ल्यू मीन माइनस एक्स वन, इस तरीके से ये फंडा आपका यहां तक आ जाएगा, सिंपल है। अब उसी सेम तरीके से y भी ऑपरेट करेगा, y को भी आप सब्सटीट्यूट करोगे एज y1 प्लस t डेल्टा y1, उसके भी दो रिलेशंस निकालोगे, उसमें भी उल्टी पलटी करोगे और फिर फाइनली आपको जो दिखेगा वो। तो भैया यहाँ पे पहले दो स्टेप्स अपने खत्म होते हैं, आखिरी दो स्टेप्स बचे हैं, तीसरे स्टेप पे जाते हैं जहां पे जनरल फॉर्म इंट्रोड्यूस होता है। जनरल फॉर्म क्या कहता है? टी पी के लेस देन इक्वल टू क्यू के, ये अपना जनरल फॉर्म है। अभी इसी फॉर्म को यहां पे अपने को कंपेयर करना है और यहां पे पीके और क्यूके की जो वैल्यूज हैं वो कंसिडर करनी है। उसके लिए अपने को जो ये रिजल्ट मिले थे, ये जो चार रिलेशंस मिले थे, एक तरीके से आप कह सकते हो जो ये चार रिलेशंस इक्वेशंस मिले थे, इसमें अपने को थोड़ा सा फेर बदल करना पड़ेगा ताकि वो इसके इक्वेट आ सके और फिर हम कंपेयर कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ साइड्स। मतलब क्या कि अगर आप देखोगे यहां पे रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू, बराबर यहां पे कौन सी रिलेशन है, लेस देन इक्वल टू की रिलेशन, लेकिन यहां पे तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अगर इसके मुंह को घुमाना है तो फिर इसके मुंह में आपको माइनस फीड करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो वो फीड करोगे तो वो घूम जाएगा और बाकी सारी चीजें भी घूम जाएंगी। कैसे घूमेंगी वो मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले तो मैंने इसमें माइनस लगाया, तो कैसे होगा, माइनस टी डेल्टा एक्स, माइनस टी डेल्टा एक्स, तो इसका मुंह यहां पे घूम गया, ये घूम गया, बराबर है। और यहां पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स वन यहां पे आ गया और ये माइनस एक्स डब्ल्यू मीन यहां पे आपके सामने आ गया, इस तरीके से हुआ। एक और माइनस से मल्टीप्लिकेशन यहां पे होगा बोथ साइड्स में, तो ये माइनस टी डेल्टा वाई लेस देन इक्वल टू वाई वन, आपका माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आपका माइनस हो गया वाई डब्ल्यू मीन, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है, बिकॉज यहां पे वो सेम लेस देन इक्वल टू ही दिखा रहा है। तो ये हमने यहां पे लिख दिए जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग टू रिलेशंस और इक्वेशंस विद माइनस वन ऑन बोथ द साइड, ठीक है। अब यहां पे अपन कुछ कंक्लूजंस निकाल सकते हैं जस्ट बाय कंपेयरिंग टू द जनरल फॉर्म। अब शुरुआत करते हैं भैया पी की वैल्यूज से। अब यहां है पी के, अभी के जो है वो मल्टीपल वैल्यूज जो है होल्ड कर सकता है, वन टू थ्री फोर जैसे कि, ठीक है। अब यहां पे मैं पी वन पी टू पी थ्री पी फोर की वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूं, अगर मुझे वो फाइंड आउट करनी है तो आपको सिंपली यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो यहां पे मॉडिफाइड यही रिलेशंस जो मॉडिफाइड वे में यहां पे प्रेजेंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अपन देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि पी के क्या हो सकता है भैया, यहां पे माइनस डेल्टा एक्स, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है, सही बात है। सिंपली इसे और इसे, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, टी तो यहां से निकाल दीजिए, टी कॉमन है, यहां पे पी के है, यहां पे पी के क्या है, माइनस डेल्टा एक्स, तो वही मैंने माइनस डेल्टा एक्स यहां ले लिया। सिमिलर वे में पी टू अगर देखता हूं तो अगला वाला सिर्फ डेल्टा एक्स निकल रहा है, P3 में माइनस डेल्टा वाई निकल रहा है, P4 में डेल्टा वाई निकल रहा है, समझ में आया। तो T कॉमन है तो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, कट कर देना है, बचा हुआ जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे PK है, यानी कि वो रिस्पेक्टिव P1, 2, 3, 4 जो है वो आपको यहाँ पे देखना है और उसकी वैल्यू रखनी है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे QK। अब यहाँ पे आपका जो पूरा राइट हैंड साइड इन चार रिलेशंस का रहेगा वो आपका Q1, Q2, Q3, Q4 रिस्पेक्टिवली रहने वाला है। मतलब क्या कि ये आपका Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3 और ये आपका Q4 बस। दोस्तों ज्यादातर तौर पे भैया जो भी न्यूमेरिकल्स आपके इस एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड रहते हैं उनके कंप्यूटेशन की जो शुरुआत है वो P और Q वैल्यूज से करनी होती है, क्योंकि आपके पास देखिए Q वैल्यूज के लिए कुछ रिस्पेक्टिव फॉर्मुलेशंस हैं मौजूद, उनमें आपको वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके ये Q और P की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। वंस यू फाइंड आउट दीज वैल्यूज, उसके बाद अपन जाते हैं स्टेप फोर पे, जहां पे अपन कुछ कंक्लूजन्स तक पहुंचते हैं। कंक्लूजन जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे PK की अगर वैल्यूज जीरो हैं, अगर वो जीरो है तो अपन कहते हैं कि भैया लाइन जो है वो आपके विंडो के पैरेलल है,
जो आपका विंडो है उसके पैरेलल है। सेकंड कंक्लूजन जो अपन निकालते हैं, जैसे क्यू के की अगर वैल्यू लेस देन जीरो है तो अपन बोलते हैं कि भैया लाइन इज कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो। ये सिंपल सा इंडिकेशन देता है कि अगर क्यू के की वैल्यू लेस देन जीरो आपको दिखाई देती है तो। उसके बाद एक और कंक्लूजन पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नॉन जीरो हुई तो पीके की वैल्यूज अगर नॉन जीरो रही, जीरो रही तो अपने को पता चल रहा है कि क्या मामला है। लेकिन अगर नॉन जीरो रही तो, जैसे कि इस केस में भैया इफ पीके की वैल्यू इज लेस देन जीरो, नॉन जीरो ही हुआ ना, लेस देन जीरो, तो यहां पे अपन करेंगे कंप्यूट टी वन को विच विल बी नथिंग बट मैक्स ऑफ जीरो कॉमा क्यू के बाय पीके। ओके, अगर इफ मान लो अगर वो लेस देन नहीं है वैल्यू, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, तो टी टू कंप्यूट करेंगे मिनिमम ऑफ वन कॉमा क्यू के बाय पी के। इस तरीके से सारा फंडा चलने वाला है, टी वन टी टू वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, देन कंपेयर द वैल्यूज ऑफ टी वन एंड टी टू। अगर टी वन ग्रेटर देन टी टू है तो छोड़ दो, इट इज कंप्लीटली आउटसाइड द विंडो, एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, खत्म करो उसका मामला, बराबर है। ये आपको सिंपली वहां पे मेंशन करना है। लेकिन अगर मान लो टी वन इज लेस देन टी टू, अगर ऐसी सिचुएशन निकलती है, देन वॉट वी हैव टू डू, देन वी हैव टू डू दिस सिंपल। तो आ गए भैया पूरा घूम के, है कि नहीं, स्टेप वन यहां से शुरुआत किया था, पूरा घूम के आ गए। फाइनली यू विल गेट द आंसर्स हेयर, एक्स विल बी इक्वल टू एक्स वन प्लस टी डेल्टा एक्स, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस टी डेल्टा वाई। इस तरीके से आपको एक्स और वाई जो है वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ पे, एंड फाइनली यू विल नो कि भैया अच्छा यही इतनी जो लाइन यहाँ पे बन रही है वही दिखानी है, बाकी की छोड़ देनी है, बाकी की क्लिप करनी है। दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि ये जो लास्ट वाला स्टेप था ये थोड़ा सा अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा होगा, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगले वीडियो में अपन न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें इन सभी स्टेप्स को अपन अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट होते हुए देखेंगे, तो सारी जो डाउट्स दुविधाएं होंगी वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। हाल फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ गए होंगे तो इनको लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।